नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुंबई पुलिस पर लगातार अब भी सवाल उठ रहे हैं। अब जबकि सारी की सारी जो जांच है वो सीबीआई के हाथ में आ चुकी है, उसके बाद भी मुंबई पुलिस पर लगातार जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, उन सवालों ने ये बता दिया है कि जो बिहार पुलिस दावे कर रही थी, जो बिहार सरकार की ओर से दावा हो रहा था और जो पूरा का पूरा देश में एक नैरेटिव बनता जा रहा था मुंबई पुलिस के खिलाफ, वो अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। क्योंकि सीबीआई भी वही कह रही है जो कि बिहार पुलिस कह रही थी, जो कि बिहार सरकार कह रही थी, जो कि देश में नैरेटिव था, उसी को लेकर के बात अब आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब जो सीबीआई ने जांच शुरू की है उसमें जो सबसे पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी गई है उसको लेकर के मुंबई पुलिस पे सीबीआई ने बड़े आरोप लगाते हुए ये कहा है कि आपने चेक क्यों नहीं किया, आपने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना क्रॉस चेक करना ये बताता है कि आप इस केस को कितना कैजुअली ले रहे थे। आप सिर्फ उन लोगों से पूछताछ कर रहे थे जिन लोगों से पूछताछ का कोई, आपने जांच नहीं की, आपने पूछताछ तो बहुत की लेकिन आपने जांच नहीं की। दोनों में अंतर है, सवाल करना किसी से और फिर जब आप अंदर घुसकर किसी केस में जांच करते हैं उस तरह की डीप स्टडी जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में और टेक्निकल भाषा में भी, कि आपने डीप स्टडी में जाकर इसका केस, इस केस को पूरी तरह से ट्रीट नहीं किया। मुंबई पुलिस के ऊपर अब वो जो लगातार बातें चल रही थी कि कोऑपरेट नहीं कर रही है बिहार पुलिस के साथ और बिहार पुलिस को जो जो चाहिए इस पूरे के पूरे मसले पर, जिन लोगों से वो मिलना चाहती है, जिन साक्ष्यों को वो टटोलना चाहती है, जिस तरह से वो चीज़ों को रिक्रिएट करना चाहती थी सुशांत के घर पर जाकर, उस तरह के कामों को उन्हें करने में बिल्कुल मदद नहीं मिली। जिस तरह से आपने देखा ही होगा वो ऑटो वाला विजुअल कितना ज़्यादा वो चला कि बिहार पुलिस जो है वहाँ ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, जबकि स्टेट पुलिस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है, स्टेट पुलिस एक दूसरे के साथ टीम बनाकर काम जिस तरह से करती हुई दिखती थी, वैसा मुंबई पुलिस की तरफ से तो इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली है। खैर, मुंबई पुलिस का इसमें इतिहास बहुत लंबा है, कभी दिल्ली पुलिस के साथ भी उसकी इस तरह के मामलों में नहीं बनी जहां पर दोनों टीमों को साथ में मिलकर काम करना होता है। 2013 में जो आईपीएल का स्पॉट फिक्सिंग मामला था उसमें भी यही सब देखने को मिला था कि दोनों राज्यों की पुलिस में, खासतौर पर जब मुंबई पुलिस को किसी और राज्य की पुलिस या यूनियन टेरिटरी की पुलिस के साथ काम करना होता है तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नज़र नहीं आती है मुंबई पुलिस। ये पहले भी सामने निकल कर आया है और अब सीबीआई ने भी उसी ओर इशारा किया। मैं आपको सीबीआई का जो स्टेटमेंट है वो एक बार बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम को क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया। इसके जवाब में मुंबई पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल आने का इंतजार वो कर रही थी। सुशांत की ऑटोप्सी करने वाले 5 डॉक्टर्स के स्टेटमेंट को भी दर्ज किया गया था और उसके आधार पर ही हमें इस केस में कुछ झोल नजर नहीं आया। मुंबई पुलिस को उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसके कई कॉलम्स खाली हैं उस रिपोर्ट को देखकर भी कुछ झोल नजर नहीं आया, ये अपने आप में साफ तौर पर बताता है, ये स्टेटमेंट अपने आप में साफ तौर पर बताता है कि मुंबई पुलिस इस मामले में कहीं ना कहीं दाल काली नजर आ रही है और दाल में जो है कुछ काला नजर आ रहा है। और ये सबसे बड़ी बात, इसको आप इस लिहाज से भी देखिए कि सीबीआई बार बार उन्हीं लोगों पे वापस जा रही है जिससे मुंबई पुलिस ने पूछताछ कर ली है, लेकिन मुंबई पुलिस की पूछताछ में वो सारी बातें सामने निकल कर नहीं आई जो अब सीबीआई की बातों में सामने निकल कर आई है। सीबीआई दो लोगों के जो बयान है, चाहे वो सैमुअल हो चाहे वो उनका कुक हो, उन दोनों के सबसे पहले तो बयान लिए, उसके बाद उसे क्रॉस चेक करने की कोशिश की। दोनों के बयान इसीलिए अलग अलग लिए गए, सिद्धार्थ से अलग जानकारी ली जा रही है। तो इन तीनों चारों जो उस वक्त पे वहां पर मौजूद थे और वो जो ताला खोलने वाला शख्स था, उन सबके बयानों को अलग अलग सुना जा रहा है ताकि ये देखा जा सके कि यूनिफॉर्मिटी कितनी है, कितना सच बोल रहे हैं, कितनी एक ही तरह की बातें कह रहे हैं। लेकिन मुंबई पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुंबई पुलिस पर जो सवाल थे, जो चाहे गुप्तेश्वर पांडे साहब ने उठाए हों, चाहे सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने उठाए हों, चाहे वो विकास सिंह ने बात की हो, ये सारे लोग जो बातें कह रहे थे, अब वो बातें आईने की तरह साफ नजर आ रही हैं कि मुंबई पुलिस इस मामले को बहुत कैजुअली ट्रीट कर रही थी। इसी वजह से 2 महीने से ज़्यादा के वक्त में भी वो कुछ नहीं निकाल पाई और सीबीआई आते ही जिस तरह से चीज़ों को सामने रख रही है वो अपने आप में बड़े डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है। तो इस मामले में जो भी डेवलपमेंट्स होंगे, छोटे से छोटा डेवलपमेंट आपके सामने हम लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।